पैसा बनाना एक मुश्किल काम है, लेकिन पैसे से पैसा बनाना और भी मुश्किल। और आपकी इसी मुश्किल को आसान करने के लिए हम लेकर आते हैं फंड का फंडा, जिसमें मौजूद रहते हैं हमारे साथ वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन के सीईओ धीरेंद्र कुमार। धीरेंद्र, कभी भी अपने फायदे के लिए आपको गलत राय नहीं देते। धीरेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। और फंड का फंडा में आज बिना वक्त बर्बाद किए क्या क्या आपको बताने वाले, खास जल्दी से बता देते हैं। देश और दुनिया में बढ़ रहा है अर्ली रिटायरमेंट का क्रेज, लेकिन किस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी जिंदगी को रखेगी खुशहाल, बताएंगे आपको आज और करेंगे पूरी पड़ताल। 60 की उम्र में फोर्स्ड नहीं, 40 की उम्र में रिटायरमेंट बन रहा है पसंदीदा प्लान, और क्या है इसका नफा नुकसान जानेंगे आज। म्यूचुअल फंड और पेंशन स्कीम का कैसे करें चुनाव और कितना पैसा डालना होगा आपको हम बताएंगे आज फंड का फंडा। बात शुरू करते हैं रिटायरमेंट की। सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या आमिर खान, 55 की उम्र में भी इनमें से कोई भी रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा है, लेकिन आपको रिटायरमेंट की बात शुरू कर देनी चाहिए प्लानिंग, क्योंकि आप अगर जल्दी रिटायरमेंट चाहते हैं तो आपको उसके लिए निवेश करना होगा। दरअसल हमारी सलाह है फंड का फंडा में कि आप रिटायरमेंट की प्लानिंग अभी से कर लें। आप कब रिटायर होना चाहते हैं, 40 पर या 50 पर या 80 पर? क्या आपके पास नौकरी या बिजनेस छोड़कर अपने खर्चे पूरे करने का इंतजाम है? अगर नहीं है तो अब भी आप कर लीजिए। आप अभी 25 हो या 40, आप ये प्लानिंग हमारे साथ अब भी कर सकते हैं। 25-30 साल की उम्र में कोई काम करना शुरू करे और बोलने लगे कि 40-45 पर रिटायर होना है, ये क्या फिजिबल है, ये वाजिब सवाल है, क्या ये संभव है, कैसे करें? इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, निर्भर करता है कि आपका एस्पिरेशन क्या है। लेकिन किसी भी रिटायरमेंट प्लान के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो ये है कि आपका लिविंग कॉस्ट क्या है और उस लिविंग कॉस्ट के लिए आपको कितना कैपिटल चाहिए कि आप वो जो कैपिटल होगा वो रिटर्न जो जनरेट करेगा उससे आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी और वो और उसके बाद कुछ पैसा बच जाएगा ताकि वो कैपिटल बढ़ता रहे, क्योंकि आपको हर साल भविष्य में थोड़े ज़्यादा रकम की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि महंगाई रुकने वाली नहीं है। तो इसका आपको इंतज़ाम कर इसका आपका आकलन करना पड़ेगा अगर आप 50,000 रुपये कमाते हैं। जी तो आपकी आपकी जो बातें हैं ये अभी हम और समझेंगे आपसे, कॉस्ट क्या हुई, कैपिटल क्या हुई और महंगाई का उस पर क्या असर है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे जल्दी पूछ लेना चाहता हूँ कि किताबों में और इंटरनेट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी बातें हैं रिटायरमेंट को लेकर कि आप बूढ़े हो जाएंगे उससे पहले आप फायर कर लें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और अर्ली रिटायरमेंट और वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे प्लान हैं। क्या ये सब प्लान पढ़ने का कोई असर पड़ता है? जी हाँ, अगर लोग फाइनेंशियली अवेयर हों, और इसके हार्ट में तो दो ही चीज़ है कि महंगाई दर बढ़ती रहेगी, इसके लिए ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होगी, उस पूंजी का काम करना बड़ा ज़रूरी है ताकि वो रफ्तार मेंटेन कर सके अब महंगाई की दर से। और ये अगर किसी को समझ में आ जाता है कि कंपाउंडिंग एक ऐसा चीज़ है जो कि क्लॉकवर्क की तरह चलता रहता है, आज आपको 50,000 रुपये चाहिए, अगले साल आपको 55,000 रुपये चाहिए होगा अभी जो महंगाई दर है उसके हिसाब से, और अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो आप इसकी तैयारी शुरू कर देंगे। सिटी जानिए कोरिया सिटी। हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।